छोटे से परिवार में न्यू एंट्री हुई, थोड़ा हमारा इंट्रोडक्शन कराएं। तो ये है इकबाल जी, हमारे शो में लीप हुआ है एंड ही इज माय लव इंटरेस्ट और हम दोनों सगाई कर रहे थे कि आज आपने रिकॉर्ड किया एंड काफी पता है। मैं तो शायद लिखवा के लाया हूँ, टेक्सटाइल में भी शूट कर रहे थे, वहाँ भी मुझे दिया था उसे सलमान खान खुद कुछ होता है यार, इसकी जो मैनरिज्म कुछ भी हो सकता है, तो कहीं भी चला जाता हूँ, मुझे पता चलता है। स्पेशली गाना भी रिकॉर्ड हुआ है हमारे, यहाँ गाना जो है स्पेशली इस सीक्वेंस के लिए रिकॉर्ड हुआ है, किसी फिल्म का गाना ऐसा सकता है, सब चिपका है। आई डोंट थिंक वी ट्राई टू मेक मी लुक लाइक अ मुस्लिम गाय, बट यस क्योंकि इकबाल दिल्ली से है। हाउ डू यू लुक लाइक अ मुस्लिम? हाँ मतलब ऐसे यू लुक लाइक, जस्ट बिकॉज़ आई एम वेयरिंग अ पाशा। व्हाट इज मुस्लिम कल्चर? नोबडी लुक्स लाइक अ मुस्लिम। या यू कैन नॉट मुस्लिम कल्चर, जो सऊदी में मुसलमान होते हैं उनका थोड़ी इंडियन मुसलमान का कल्चर होता है, तो जो हिंदुस्तान के मुसलमान होते हैं उनका हिंदुस्तानी मुसलमान कल्चर होता है, तो वो मुसलमान नो आंधे मुस्लिम्स हो पंजाब, वो लिव इन पंजाबी। हैव यू एवर बीन टू मलेरकोटला? मलेरकोटला इट्स क्लोज टू पटियाला, देयर इज अ बिग टाउन कॉल्ड मलेरकोटला, इट्स massively populated by Muslims and they speak amazing Punjabi and they're born, they're sadiyon se wo wahan pe rahe, to wo they are Punjabis. So it's a wrong thought that we've been living, we're going to change all this. It is a TV mein matlab hum thoda different spoon feeding ke liye Catholic wedding ho rahi hai to gown pehna diya, balki aajkal aisa kuch nahi hota. I have Catholic friends who have worn a lehenga and you know it's not about the outfit and look. It is that because he is from Delhi and he is a Muslim boy, so aisa kuch nahi hai that you know I've tried to look like that. Teni is teni. I talk in my Gujarati accent, he talks in his Delhi accent, so nothing like that. Honestly, उसके लिए तो दिल से दिल तक देखना पड़ेगा रात को 10 बजे, वो मैं बता दूंगी तो. बट येस इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज टेनी का अभी भी जो मेमोरी लॉस का जोन चल रहा था वो यही है, उसकी याददाश्त वापस नहीं आई है एंड द होल ट्रैक विद हिम इज वेरी एंटरटेनिंग एंड इट्स ब्यूटिफुल.